वेलकम टू गौतम एकेडमी। आप सभी का एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गौतम एकेडमी में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में और उसके टाइप के बारे में हमने बताया था कितने प्रकार के होते हैं। और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही होगी, ये सीरीज पसंद आ रही होगी। तो आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ ए डेवलपमेंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक जो रहेगा वो प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट, विकास का सिद्धांत जिसे कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दें कि विकास का सिद्धांत क्या होता है। किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट होता है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है, तो वो एक प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है कि बच्चे का जो सीक्वेंस होगा वो इस तरीके का होगा। बच्चे का अगर कोई सीख रहा है बच्चा, तो वो इस सीक्वेंस में सीखेगा। तो एक क्या होता है, एक सिद्धांत होता है जिस पर हम बच्चे के डेवलपमेंट को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर आपको स्टडी करनी है बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में, तो आप विकास के सिद्धांत को देखिए, उस प्रिंसिपल को देखिए जिससे कि वो बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी आपको जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो के बारे में हमने काफ़ी फोटो के द्वारा एंड इमेज के द्वारा आपको बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी हेल्प मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट, जो कि पहला है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। पहला जो होता है वो होता है इनर इंडिविजुअल डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट एमंग चाइल्डहुड। प्रत्येक बच्चे में, अगर हम प्रत्येक बच्चों की बात करते हैं, तो हो सकता है बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है अदर बच्चों के साथ क्या होता है, उसी एज में डिफरेंट होता है। हो सकता है अगर कोई 12 साल का बच्चा है उसका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा है, बट उसका दूसरे बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट थोड़ा उससे कम है। तो जो ये आप अंतर देख रहे हो ना, 12 साल के जो बच्चों में अंतर देख रहे हो, कि हो सकता है 12 साल के बच्चे की हाइट अच्छी हो, ठीक है, दूसरे 12 साल के बच्चे की हाइट कम हो, तो ये जो आप डिफरेंस देख रहे हो बच्चों में वो होता है इनर इंडिविजुअल। सेकंड है हमारे पास कि डिफरेंट रेट ऑफ द डेवलपमेंट इन द डिफरेंट एरियाज। हम देखते हैं कि एक ही बच्चे में डेवलपमेंट का जो एरिया होता है काफ़ी अलग अलग होता है। अगर हम 6 साल के बच्चे की बात करते हैं, तो उसका अगर हाइट अच्छी है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा है, तो ऐसा ज़रूरी है नहीं कि उसका मेंटल डेवलपमेंट भी, उसका सोशल डेवलपमेंट भी उतना अच्छा रहे। उसमें भी आप थोड़ा सा उसमें डिफरेंट देख सकते हो। तो एक ही बच्चे में डेवलपमेंट के एरिया में काफ़ी जो डिफरेंस होता है उसको हम इंटर इंडिविजुअल कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इंटर और इंट्रा। इंट्रा माने होता है एक ही बच्चे में, इंटर माने होता है बहुत सारे बच्चे में डिफरेंस। डेवलपमेंट फॉलोइंग द ऑर्डरली सीक्वेंस, एक सीक्वेंस के माध्यम से बच्चे का विकास होता है। अगर हम पहले स्टेज की बात करते हैं, तो पहले स्टेज में बच्चे का जो सीक्वेंस होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, जबकि सेकेंड प्रॉक्सिमोडल जो सीक्वेंस होता है उसमें बच्चे का विकास सेंटर से बाहर की ओर होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो जो उसका सीक्वेंस होता है बच्चे का, वो सिर से पैर की ओर होता है। वो अपने सिर को घुमाता है, अपने पैर से मारने की कोशिश करता है। बच्चा जब बच्चा कहीं रेंगता है, तो वो क्या होता है, वो अपने बाहर से, मतलब अंदर से बाहर की ओर उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं विकास का सतत सिद्धांत। बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल, इमोशनल, इसको हम मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक सिद्धांत जो होता है वो लाइफ टाइम चलता है। लाइफ टाइम ये डेवलपमेंट होता है। अगर हम एक वृद्ध अवस्था की बात करते हैं, तो वृद्ध अवस्था में आजकल आप देख रहे हो जो वृद्ध लोग हैं, ठीक है, वो भी आज एंड्रॉयड फ़ोन चलाना सीख जाते हैं।
जब वो सीखते हैं, जब कोई उन्हें सिखाता है कि फ़ोन को ऐसे चलाते हैं, ऐसे गूगल खोलते हैं, ऐसे व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो होता क्या है, जब वो सीखते हैं तो उनका वो मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है, बढ़ता है। बच्चे का सोशल डेवलपमेंट भी कनेक्ट होता है जब वो सोसाइटी में आता है, ठीक है। तो बच्चे का अगर हम इस स्टेज की बात करते हैं, इन्फेंसी स्टेज की बात करते हैं, तो वो पूरा पूरा डिपेंड अपने पेरेंट्स पे रहता है, और इसके बाद वो अपने जो फैमिली होती है उसके साथ कनेक्ट करता है, फिर वो अपने पड़ोसियों के साथ कनेक्ट करता है, स्कूल एज में अपने टीचर अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट करता है, ऐसे ऐसे प्रोसेस जो चलती है वो सोशल डेवलपमेंट में आ जाता है। बच्चे का इमोशन डेवलपमेंट भी कंटिन्यूस होता है। बच्चे इन्फेंसी स्टेज में अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, बट जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस उनकी एज बढ़ती रहती है, बच्चे अपने इमोशन को भी कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस, जो विकास है वो सतत होता है। इसके बाद है कि जो डेवलपमेंट होता है वो वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। बच्चे की जो हाइट होती है, अगर बच्चे की हाइट अपने पेरेंट्स की हाइट के भी बराबर होती है, क्यों होता है, बच्चा जो चीज लेके आता है वो जीन्स लेके आता है वंशानुक्रम। अगर बच्चे के पेरेंट्स की जो आंखें होती है अगर भूरी है, तो हो सकता है बच्चे की आंखें भी क्या हो जाती है, भूरी। अगर बच्चे की जो मदर है अगर उनके बाल अलग टाइप के हैं, तो बच्चे का भी बाल क्या होंगे, अलग टाइप के होंगे। तो इस टाइप के जो आप देख रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं, ये वंशानुक्रम से होता है। वंशानुक्रम का एक खास होता है कि बच्चे में जो डेवलपमेंट होता है, वंशानुक्रम काफ़ी रोल प्ले करता है। बच्चे का अगर आईक्यू लेवल अच्छा है, तो अगर उसको एक अच्छा पर्यावरण ना मिले, अच्छा इन्वायरमेंट ना मिले, अच्छे विद्यालय ना मिले, तो उसका जो वंशानुक्रम कैरेक्टरिस्टिक होता है वो काफ़ी डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब यह है कि बच्चे का जो विकास है वो वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। इसके बाद है बच्चे का जो मैचुरेशन एंड लर्निंग होता है। बच्चा अगर मैचुरेट करता है, 18 से 20 वर्ष तक की आयु में मैचुरेट हो जाता है, बच्चा पूरा मैचुरेट हो गया, तो वो लर्निंग एक्सपीरियंस भी क्या होता है, उसका बढ़ता रहता है। अगर बच्चा साइकिल सीखना चाहता है, तो पहले उसे अपने हैंड अपने आँखों को कंट्रोल करना पड़ता है, उसके जो सीखने का जो तरीका होता है उसमें काफ़ी चेंजबल आता रहता है, तो जैसे जैसे बच्चा सीखता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ द आउटर टू इनर कंट्रोल, बच्चे का अगर हम कंट्रोल की बात करते हैं, तो किसी अवस्था में बच्चे का जो कंट्रोल होता है वो अपने पेरेंट्स पर होता है। इन्फेंसी स्टेज चाइल्डहुड स्टेज में बच्चे का जो कंट्रोल होता है उसके पेरेंट्स करते हैं। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, बच्चा खुद अपने आप सीखना शुरू कर देता है। तो इस जब बच्चा किसी के कंट्रोल में रहता है, तो उसको बोलते हैं हम हेक्ट्रोनॉमी। जब बच्चा किसी कंट्रोल में नहीं होता है किसी एज में, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमी। तो ज़्यादातर हम ऑटोनॉमी के साथ ही जाते हैं, क्योंकि ऑटोनॉमी बच्चे की सीखने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, बच्चा खुद करके सीखता है। इसके बाद है डेवलपमेंट जो होता है अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। जिस प्रकार से कोई सेंटेंस बनने के लिए पहले बच्चे को अक्षर सिखाया जाता है, फिर वर्ड शब्द सिखाया जाता है, और इसके बाद एक वाक्य सिखाया जाता है, ऐसे बच्चे का विकास भी अचानक नहीं होता। बच्चा इन्फेंसी स्टेज से एडोलेसेंस स्टेज तक पहुंचने के लिए उसको चाइल्डहुड के स्टेज को पार करना होता है। तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो अचानक नहीं होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे होता है। पहले बच्चा इन्फेंसी में जाएगा, फिर चाइल्डहुड में, फिर एडोलेसेंस में जाएगा, फिर वृद्धावस्था आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार जो सीक्वेंस होती है वो अचानक नहीं होती, वो क्या होती है, धीरे धीरे होती है। इसके बाद है कि जो डेवलपमेंट होता है वो इंटररिलेक्ट होता है अदर, उसमें ये आपको बताते हैं। अगर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट इफेक्ट करता है, अगर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, तो हो सकता है उसका सोशल डेवलपमेंट में भी इफेक्ट पड़े। अगर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, तो बच्चा सोसाइटी में भी अपने आप को कमी महसूस करता है। बच्चे का अगर आईक्यू लेवल कॉग्निटिव
अगर बच्चे का मानसिक विकास अच्छा नहीं है तो हो सकता है वो अपनी सोसाइटी के साथ इतना इंटरेक्ट ना कर पाए। तो इसका मतलब यह है कि जो डेवलपमेंट होता है, बच्चे का विकास होता है, वो आपस में क्या होता है, संबंधित होता है अलग डेवलपमेंट में। तो इसका मतलब यह है कि एक डेवलपमेंट दूसरे डेवलपमेंट को इफेक्ट कर सकता है। इसमें क्या है, डेवलपमेंट चेंज फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफाई। इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो जनरल सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगर हम सामान्य की बात करते हैं तो छोटे जो बच्चे होते हैं वो जब वो कोई चीज पकड़ते हैं, जैसे बॉल पकड़ते हैं, तो जब कोई बॉल पकड़ते हैं वो दोनों हाथों से पकड़ते हैं, ठीक है, कोई भी चीज उठाते हैं वो दोनों हाथों का यूज करते हैं। जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, तो वही बच्चा उस बॉल को किक मारना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो चुका है, ठीक है। जो उसकी ज्ञान इंद्रियां होती है, हाथ होती है, पैर होते हैं, वो काफी क्या होता है, मजबूत हो जाते हैं। तो बच्चे का यहाँ पर क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता है। जो वो दो हाथ से चीजें उठा रहे थे, वो एक ही हाथ से चीजें को उठाना शुरू कर देते हैं। बच्चे का अगर हम यहाँ पर एक बात करते हैं, ग्रोस टू फाइन मोटर स्किल। ग्रोस का मतलब होता है कि यहाँ पर बच्चा छोटी छोटी चीजों करने के लिए अपने दोनों हाथों का यूज करता है, बट फाइन मोटर स्किल होता है। फाइन मोटर स्किल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर बच्चा एक ही हाथ से बहुत छोटी छोटी चीजें कर पाता है, पेंटिंग कर लेता है, लिख लेता है अच्छी राइटिंग से। तो ये ग्रोस टू फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है बच्चे का। ये इस बार सीटेट 2019 में ये क्वेश्चन आया था, कि ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था, तो इसका जो आंसर है ग्रोस टू फाइन मोटर स्किल, ठीक है। बच्चा ग्रोस से फाइन मोटर स्किल में होता है। बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, पेपर में आ सकता है। प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट एक क्या होता है, सीक्वेंस होता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ द इंट्रा रिलेटेड होता है, इंटरग्रेट होता है। बच्चा पुरानी चीज को नई चीज के साथ जोड़ के देखता है, कंबाइंड करके देखता है, ठीक है। अगर आपने ये एग्जाम्पल कभी सुना होगा कि अगर बच्चा किसी मोमबत्ती के पास जाता है, अगर वो उससे जल जाता है, तो उसको पता है कि दोबारा वही जाने पर उसको वही दर्द होगा। तो यहाँ से बच्चा क्या करता है, एक्सपीरियंस के द्वारा सीख लेता है। जब वो एक्सपीरियंस के द्वारा सीखता है कि उसको पता है कि उस वो एक बार जाने पर उसे वो दर्द हुआ था, अगर वो दूसरी बार जाएगा तो तब भी वो डर जाएगा, वो मतलब वो एक्सपीरियंस के द्वारा सीखता है। पुरानी चीज को नए चीज के साथ जोड़ के देखता है, वो भी बच्चे के डेवलपमेंट का विकास करती है। तो इस टाइप के जो डेवलपमेंट होता है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेट एकीकरण का सिद्धांत, इसे कहा जाता है हिंदी में एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं इसे। अब है प्रिंसिपल ऑफ द यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब होता है कि जो ह्यूमन चाइल्ड होता है उसका पैटर्न अलग होता है, एनिमल जो बेबी होता है उसका पैटर्न अलग अलग होता है, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ द यूनिफॉर्म पैटर्न, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एक ह्यूमन बेबी होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है एक पैटर्न के द्वारा होता है, जबकि एक एनिमल, ये पक्षी है कोई, ठीक है, इसका जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, एक सिक्वेंस के द्वारा होता है। तो यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, ह्यूमन का अलग होगा, किसी भी एनिमल का अलग होगा, तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, ये वीडियो यहीं तक थी, ठीक है। आने वाली वीडियो की में हम इसके बारे में और बताएंगे, जो जितने भी टॉपिक है वो सब कंप्लीट होंगे, और अभी आपके लिए इतना ही है। और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे YouTube चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसे लगी आपको, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।